मनोज जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अभी। और मनोज जी गुड़गांव के रहने वाले हैं, गुड़गांव हरियाणा में आप पदस्थापित हैं, अभी वहां पे पढ़ाते हैं। हरियाणा में मनोज जी को कौन नहीं जानता? मनोज जी बहुत ही लोकप्रिय शिक्षक हैं। मनोज जी तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं और तकनीकी के इस्तेमाल के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। काफ़ी शानदार काम कर रहे अपने विद्यालय कैंपस में, और विद्यालय के जिस तरीके से जीर्णोद्धार के लिए आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही लोकप्रिय तो है ही, बहुत ही उत्साहवर्धक भी है बाकी शिक्षकों के लिए भी। हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं बातचीत की शुरुआत करूं, जो मनोज जी के ऊपर जो एक फिल्म बनी है, एक छोटा सा, वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। और वो 1 मिनट की फिल्म है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। मनोज जी के काम को अच्छे से जानने समझने के लिए वो काफी आपको मदद करेगी। गुरुग्राम हरियाणा का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजखेड़ा। यहाँ के मुख्य मौलिक अध्यापक श्री मनोज कुमार लाकड़ा जी ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से छात्रों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने का अद्भुत कार्य किया है। इनके द्वारा बनाए गए सरल उपकरणों से छात्र अब रचनात्मक तरीके से पढ़ाई का आनंद लेते हैं। बतौर शिक्षक श्री मनोज कुमार ने इनोवेटिव वे से जॉयफुल लर्निंग को बढ़ावा दिया है और इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये थी कहानी मनोज जी की। मनोज जी सबसे पहले तो आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले जानकारी आपको किसने दिया कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने वाला है? सर ये जानकारी मेरे ही से मैं काफी दिन से इंतजार कर रहा था कि कब रिजल्ट आएगा। एक्चुअली मैं सोचा था कि 14 के बाद ही ये रिजल्ट कर देना चाहिए, जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अगर आप मोबाइल अपने पास रख लेंगे या ईयरफोन लगा लेंगे तो सर ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ सर, अब आप आवाज ठीक है मुझे लग रहा है जी, एकदम परफेक्ट है सर। 14 तारीख को मुझे लग रहा था कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 15 भी बीत गई, 16 भी बीत गई, और उसके बाद मुझे ये लगा कि भाई अब जो होना है वो होके ही रहेगा, अब इंतजार करना ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही 25 तारीख को डिक्लेयर हुआ था, तो 25 तारीख को मेरे एक दोस्त का फोन आया, उसने मुझे कहा कि आपको बधाई है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है सर, अभी काफी थोड़ा बीच में कम हो जा रही है, थोड़ी तकनीकी व्यवधान काफी हो रहा है। हेलो बिल्कुल सर, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है सर। जी, एक प्रश्न आ रहा है अभी, अनुज अग्रवाल जी हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा कि सर इनसे एक प्रश्न पूछिएगा, क्या आपने इस पुरस्कार के लिए पिछले सालों में सोचा था? बिल्कुल सोचा था कि मैं जो है लगातार 3 या 4 साल से इसके लिए मेहनत भी कर रहा था और मैं अप्लाई भी कर रहा था। लेकिन समय ऐसा होता है कि समय बड़ा बलवान होता है, और जब आप लोगों के साथ आपकी शुभकामनाएं जुड़ जाती हैं या दुआएं जुड़ जाती है, तब जाकर के जो है आपको अपनी सफलता जो है नजर आने लगती है। तो इस साल जो है मेरी सफलता जो है वो सफल हुई, और क्या कहते हैं, जो भी मैंने कार्य किया उसका मेरे को जो है भगवान ने एक ऐसा फल दिया है कि जो मुझे चाहिए था वो मैंने हासिल किया है। जी, एक मनोज जी एक बड़ा एक सवाल है कि इस पुरस्कार को आप किसे समर्पित करना चाहेंगे? वैसे तो मैं इस पुरस्कार को जो है अपने बच्चों को समर्पित करना चाहूंगा, क्योंकि देखो एक अध्यापक जो है उसकी सफलता तभी मानी जा सकती है जब उसके जो बच्चे हैं वो सफल हो जाए। यानी कि अगर आपके विद्यार्थी सफल है, वो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कल्चरल हो या फिर आईसीटी का क्षेत्र हो या फिर खेल का क्षेत्र हो, अगर आपके जो पढ़ाए हुए बच्चे सफल हो जाते हैं तो सफलता मिल जाती है और जो सभी सफलता माना जाता है। तो मैं जो है अपनी सारी चीजों को जो है जो मैंने किया है वो अपने पढ़ाए हुए बच्चों को, साथ में मैं अपने गुरुजनों को भी समर्पित करना चाहता हूँ, और तीसरा सर मैं अपने फादर को भी समर्पित करना चाहता हूँ। तो
क्योंकि उन्हीं के नक्षत्रण से मुझे ये अवार्ड हासिल हुआ है, क्योंकि 1962 में सर इनको डीडी राष्ट्रपति की मान्य राष्ट्रपति से इनको पुरस्कार मिला था। साथ में जो है उन्होंने जापान में बल रश्मि टोक्यो में 1961 के बारे में जो बता रहा था अभी कि वो लगातार अपने विद्यालय में कुछ इस तरह के प्रयास कर रहे हैं जो हम सबके लिए गौरव बढ़ाने वाला है, हम सबके लिए उनके प्रयासों को जानने जितना भी आप जानेंगे उतना आपको गौरव महसूस होगा, खास करके जिस तरीके से उनके बनाए हुए प्रयोग को पूरे प्रदेश ने अपनाया है वो बड़ा ही रोचक है। क्या आपने कभी सुना है कि एक हिंदी के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से एक ऐसी मोबाइल ऐप बनवा दी जिसको शिक्षा विभाग ने मिड डे मील हरियाणा ऐप के नाम से सभी विद्यालयों के लिए अनिवार्य कर दिया। अच्छा, तो आपने कभी ये सुना है कि अध्यापक ने विभिन्न सामाजिक संगठनों व ग्राम पंचायत के सहयोग से लगभग 90 लाख रुपये का निर्माण कार्य अपने विद्यालय में करवा दिया। तो क्या आपने ये सुना है एक सरकारी स्कूल के अध्यापक ने वन विभाग व अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से 2 लाख पौधे वितरित करवा दिए। तो शायद ये आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में कक्षाओं को स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित करने के लिए 1800 विद्यालयों में अपने खर्चे से बिना बिजली के मोबाइल टीवी उपलब्ध करवा दिए हों। आश्चर्य तो तब होता है जब सरकारी स्कूल के एक अध्यापक ने सामाजिक संगठनों से निवेदन करके न सिर्फ अपने बल्कि दर्जन भर स्कूलों के सैकड़ों विद्यार्थियों के लिए 1000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति सुनिश्चित करवा दी। आइए आज आपका परिचय करवाते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसका अनुसरण न सिर्फ विद्यार्थी करते हैं बल्कि अध्यापक भी करते हैं। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो आज भी इसे अपना सामाजिक दायित्व तो समझते हैं, शिक्षा के प्रति समर्पित होकर बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, अपने प्रयासों से विज्ञान और गणित जैसे विषयों को सुगम बनाना चाहते हैं। वहीं विद्यालय के निर्माण, पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण, बच्चों को आर्थिक मदद आदि विशेष कार्यों से समाज में एक नई मिसाल कायम करते हैं। इन्हीं में से एक हैं गुरुग्राम के बजघेड़ा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के मौलिक मुख्य अध्यापक श्री मनोज कुमार लाकड़ा। मनोज कुमार लाकड़ा ने अपने कार्यों से नई बुलंदियों को छुआ है। आज वे न सिर्फ विद्यार्थियों के बल्कि अध्यापकों के लिए भी प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं। हिंदी अध्यापक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले मनोज कुमार लाकड़ा के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे कार्य करेंगे कि जिनको हरियाणा शिक्षा विभाग अपनी पूर्ण मान्यता देंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिड डे मील हरियाणा ऐप की। इसका निर्माण भी मनोज कुमार लाकड़ा की देखरेख में उनके विद्यार्थियों ने किया है। इसके अतिरिक्त समग्र मूल्यांकन ऐप, फीस रजिस्टर ऐप, फंड एंड स्टॉक ऐप, स्काउट एंड गाइड ऐप, प्रगति पथ ऐप का निर्माण भी इनके विद्यार्थियों ने किया है। इनमें से ज्यादातर को हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों के लिए अनिवार्य किया तथा हजारों अध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने इससे लाभ प्राप्त किया। यदि हम विज्ञान प्रदर्शनी की बात करें तो मनोज कुमार लाकड़ा के मार्गदर्शन में उनके विद्यार्थियों ने जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी प्रतियोगिता SERT व NCERT में लगातार 3 वर्ष पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इनके सोलर प्लेट समर हेलमेट को तो राष्ट्रीय पहचान मिली है। इनके अतिरिक्त इंटेलिजेंट कार, मल्टीपर्पज बाल्टी, प्रदूषण रहित सोलर चूल्हा, इंटेलिजेंट इरिगेशन सिस्टम को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जा चुका है। के अंदर एंटर करना है, वो तो दूसरा वायर है, उसको आपको इसके अंदर लगाना है।
बस मशीन को आपको गाड़ी के कंपोनेंट बॉक्स यानी डिग्गी में रख देनी है। अब आपका हेलमेट आपकी बाइक से कनेक्ट हो चुका है। अगर आपको आपकी बाइक की राइड चाहिए यानी यहाँ से आपको बाई चांस गेट तक भी जाना है तो पहले आपको अपना हेलमेट पहनना पड़ेगा। आपकी बाइक तभी स्टार्ट कर पाएंगे, यानी आपका आपकी बाइक कोई दूसरा व्यक्ति भी स्टार्ट नहीं कर सकता जब तक आपका हेलमेट नहीं पहना। मनोज कुमार लाकड़ा की टीम ने बिना बिजली का टीवी बनाकर सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास शुरू करने के कार्य को आसान कर दिया है। मनोज कुमार लाकड़ा ने प्रदेश के 1800 सरकारी विद्यालयों में अपने खर्च से तैयार करके मोबाइल टीवी उपलब्ध करवाए हैं। उनके इस टीवी को ओस स्टेट यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान में भी प्रदर्शित किया गया है। मनोज कुमार लाकड़ा द्वारा 10 रुपए के खर्च में तैयार वीआर डिवाइस को एनसीईआरटी द्वारा आयोजित 21वां, 22वां तथा 24वां ऑल इंडिया चिल्ड्रन मेला दिल्ली, भोपाल तथा केरल में प्रदर्शित किया गया, जिसका हजारों बच्चों ने लाभ उठाया है। विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां प्राप्त करने वाले मनोज कुमार लाकड़ा से हम सब उस समय और ज्यादा प्रभावित हुए जब उनकी टीम ने वन विभाग मनोज जी हमारे साथ फेसबुक लाइव के थ्रू जुड़ेंगे। आज थोड़ा सा नेटवर्क की बड़ी दिक्कत आ गई, उनके मोबाइल में कुछ परेशानी हो रही है, अभी हम फेसबुक लाइव के जरिए उनको सुनेंगे। मैं माफी चाहता हूँ दोबारा से, आप फेसबुक लाइव में उनको देखिए। थैंक यू सो मच।